सखी सैया सखी सैया त खूब कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। इनसे मिलिए, ये है मुन्ना, त्यागी जी की इकलौती औलाद। अब इन भाई साहब पे भूत चढ़ चुका है संगीत का, और ये अब निकल पड़े हैं नए गुरु की तलाश में। इनसे मिलिए, ये है रॉबिन, मुजफ्फरपुर शहर का सबसे छठा बदमाश और मुन्ना का सबसे करीबी दोस्त। ये है किताबी कीड़ा और मुन्ना के खास दोस्त आयुष। ये है हरामी नगर के म्यूजिकल माफिया पॉप सिंगर टॉम सिंह। और इनसे मिलिए, ये हैं हरामी नगर के शास्त्रीय गायक कुमार जानू। आप कुछ भी हो जाए तो हमको सिंगर बनना ही है, चाहे किसी भी हद तक जाएंगे सिंगर बन के रहेंगे। आयुष आयुष आ गए। अरे मुन्ना तुम कौन हो? ठीक है। अरे हम इंडियन आइडल देखे हैं, हमको मन कर गया आप सिंगिंग करने का। देखे सिंगर सबका बहुत स्कोप है, पैसा भी का कोई कमी नहीं होता है भाई। सोच लिए हैं कि हमको सिंगर बनना है, कुछ बताओ क्या करें अब हम। वो तो मास्टर को हम जानते हैं, देखते हैं उसे बात करके देखते हैं, जल्दी बताइए। अरे मुन्ना, अरे चश्मा का हाल है? ठीक है ठीक है। क्या डिस्कशन कर रहा तुम? अरे रॉबिन भाई, इनको सिंगर बनना है। सिंगर बनना है रे? हम देखे इंडियन आइडल, हमको मेरा मन कर गया पूरा बनने का सिंगर। हमको अपना मन कर रहा है सिंगर बनने का ना। अच्छा, हमारा कॉन्टेक्ट में हरामी नगर में वो है मास्टर, ये भी बताया कि वो सर है। चश्मा पढ़ने निकले वाला क्या बताएगा इस सबके बारे? रॉबिन भाई अच्छा बता देंगे। आप सिंगर करते हैं? आपको पता है? नहीं है, मेरा है लिंक लाइन, मेरा एक हरामी नगर में वो मास्टर है जान पहचान का, बोलो तो उससे हम बात करते हैं। ये सब चीज के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं। त्यागिया के बेटा के सिंगर बनना है, हम बनाते हैं इसको सिंगर। इसके बाप हमको गजेरी भंगेरी समझ लिया है, साला इसको बर्बाद नहीं कर दिए, इसको नासा करने पर नहीं उतार दिए तो फिर बात करेगा हमसे, बर्बाद कर देंगे, सिंगर बनेगा, इसको बनाते हैं हम सिंगर। जय महाकाल। चल भाई, बहुत लेट कर दिया, चलो बैठो भाई, धीरे धीरे चलना। ना पहचान लिया ककरा बैठ ले रॉबिन वहाँ पे, चलना आज हवाई जहाज बना देबू तोरा, तू पकड़ के खाली बैठ। पहचान रॉबिन सिंह नाम है, ये मार्केट में है। उधर ना, ये हरामी नगर कॉम्प्लेक्स ये है, यही है। स्पीक स्लो। ये सर, प्रणाम सर। यो चिल ब्रो, चिल ब्रो, चिल चिल चिल। यहाँ पर पस है, आप लोग क्यों आए भाई यहाँ पर? सर इनको सिंगर बनना है, इंडियन आइडल जीतना है इनको। जुनून सवार हो गया है। जुनून जी सर, सर हमको इंडियन आइडल जीतना है, हमको जस्टिन बीरबल की तरह बनना है, महान सिंगर। जो कौन सिंगर? जस्टिन बीरबल। तुम क्या बोला है अभी? जस्टिन बीरबल। महान सिंगर जस्टिन बीरबल नहीं है? जी सर, बीरबल सिंह है। जस्टिन बीरबल, जस्टिन बीरबल सिंह बोले हैं, जस्टिन बीरबल सिंह। तुम क्या गायक बने रहे? तुमको इसको इंस्पिरेशन का तुमको ना पता है कुछ? सॉरी सर। सर इंडियन आइडल में जज हो चुके हैं। हम लोग शॉर्ट में विकिपीडिया पे नहीं पढ़ा उसके बारे में, शॉर्ट में लिखा रहता है जस्टिन सिंह, और उनके हम भी बहुत बड़े फैन हैं, इसलिए हम इंडियन आइडल के जज बन गए अपने मेहनत से। जो चीज जज आ चुके हैं सर। सर तो हमको मतलब मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा ना?
तुमको हम 5 महीने तो हमको समय दो, तुमको हम भयानक म्यूजिक डायरेक्टर प्रोड्यूसर से लेके और तुमको भयानक गायक, तुम्हारा आवाज जो हम खेसरिया से लेके मोहम्मद रफी के रेंज तक तुम्हारा हम आवाज पहुंचवा देंगे। 5 महीना तुमको सिर्फ व सिर्फ पॉप म्यूजिक सिखाएंगे, ऐसा तुमको पॉप म्यूजिक सिखाएंगे जिसमें तुम्हारा पॉप अलग और पॉप अलग हो जाएगा। सर कितना को इंडियन आइडल जिता चुके हैं उनको पता है, इसीलिए लाए हैं, आंख मूंद के विश्वास करो इन पे। इस एरिया में हरामी नगर का सबसे सस्ता मास्टर हमारे, सबसे सस्ता मास्टर मात्र 300 प्लस केपीडी। सर ये तुमको हम बाद में बता देंगे, जैसे ही तुम्हारा ट्यूशन समाप्त हो जाएगा उसके साथ हम तुमको बता देंगे केपीडी का फुल फॉर्म क्या है और तुम एक एक चीज इसके बारे में जान जाएगा। तुम कल सर एडवांस लेना होगा, एडवांस का कोई टेंशन नहीं है, महीना लगने दो 300 प्लस केपीडी इतना दे देना बस, बाद बाकी तुम कितनो क्लासिकल इंडियन आइडल मतलब हम जीत जाएंगे ना, जीत तुम्हारा पर भानु मलिक तुमको खुद अवार्ड देगा। जैसा पर करते हैं जैसा होगा बता देंगे हम। ठीक है ठीक है अभी बता देंगे, ठीक है जैसा होगा बताइएगा आप लोग। योशी नाम सर योशी शिक्षक के सर थे रंगे लग रहे थे हमको, हमको एक बार क्लासिकल टीचर से भी मिलवा दो यार। अरे तुम टेंशन काहे लेता है, बहुत बढ़िया मास्टर साहब है, कितना को इंडियन आइडल जीता चुके हैं। एक को स्टूडेंट तुमको दिखाई नहीं दे रहा था तो अभी थोड़ी ना कोचिंग चलता है, कोचिंग का टाइम सबका अलग अलग रहता है, तुम जब आएगा तभी थोड़ी देर बाद क्लासिकल टीचर से मिलवा दोगे तो क्या हो जाएगा। अरे इनसे तुमको क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है लेकिन क्लासिकल म्यूजिक में हमको सीखना है, थोड़ा मोरा सारे गमा अलाप उलाप होता है ना वो सब, एक बार हमको क्लासिकल टीचर से मिलवा दो ना यार, हम मतलब मेरा मन का संतुष्टि हो जाएगा ना कम से कम। अच्छा ठीक है तुम बोल रहा था मिलवा देंगे, एक बार बात कर लेना अगर तुमको जैसा होगा, हमको अपना वहाँ ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन करना जो अच्छा लगे हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है तो तुमको जो अच्छा लगे तुम कर लेना, वो हम बात करवा देंगे उस सर से भी। ठीक है कैसे आना हुआ, क्या उद्देश्य है आपके आने का यहाँ? सर इनको सिंगिंग सीखना है। आपको सीखना? जी नहीं। तो आप शांत रहिए। सर हमको शास्त्रीय संगीत सीखना है। बिल्कुल सिखा दिया जाएगा। सर कितना फीस है आपका? फीस तो हमारा बस मात्र 1500। 1500? हाँ। एडमिशन चार्ज भी है सर उसमें? नहीं, एडमिशन चार्ज अलग से? एडमिशन चार्ज नहीं है, ये आपको गीतकार बनने के लिए बस 1500 मंथ का देना हो। म्यूजिक टीचर के पास हम अभी थोड़ा देर पहले गए थे तो उनका तो 300 रुपया ही बोले है वो फी है। तो आप उनके पास ही जा सकते हैं सर, लेकिन वो थोड़ा सा हम हिचक रहे हैं वहाँ पे जाने से, बट फी आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा है। थोड़ा बहुत ज़्यादा जी, हमारा यही फी है, बड़े बड़े गीतकारों को हमने जन्म दिया है। सर हम वहाँ म्यूजिक टीचर के पास गए थे तो वो बोले हैं कि आपका 3 महीना में पाँव अलग और पाँव अलग करवा देंगे। सर हम थोड़ा डर मतलब हिचक गए वहाँ, लेकिन सर क्या करें आपका फी ही बहुत ज़्यादा है। फी तो हमारा ज़्यादा है लेकिन आप जहाँ से आ रहे हैं वो हमारे जानकारी हुए, आप अपना पाँव और पाँव वहीं अलग करवा सकते हैं, कोई हमें सर, आप तकलीफ नहीं, कंसेशन नहीं कर सकते नहीं। सर प्लीज़ सर कुछ कम कर दीजिए ना सर, कुछ कंसेशन कर दीजिए ना सर, प्लीज़ सर, प्लीज़ सर, सर हमको शास्त्रीय संगीत सीखना है, प्लीज़ सर। क्या सोचे हो क्या करना है? दोनों सर से हम मिलवा दिए हैं, अब तुम इन्हें डिसाइड करें। बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, मतलब कि हमको शास्त्रीय संगीत सीखना था लेकिन उनका फी ये इतना है कि उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और अरे सुनो देखो सर है जो वो सब छोड़ो, पॉप का जमाना है आजकल, और टॉम सर से बड़ा इस शहर में कोई नहीं सिखाता है सिंगिंग। कल एडमिशन ले लेते हैं टॉम सर, कल चलो हम तुमको डायरेक्ट एडमिशन करवा देते हैं क्या? लेकिन क्लासिकल म्यूजिक सीखना था सर। व्हाट द फक यार, तुम लोगों को पता है कि मैं पॉप मास्टर हूँ। अरे सर मजाक कर रहा है, पॉप ही सीखना है इसको। पॉप सीखेगा? पॉप सीखना है ना, दैट्स माय स्टूडेंट यो, चिल ब्रो। देखो क्लासिकल में कुछ नहीं रखा है, जिंदगी भर सारे गामा करते रह जाओगे कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं करना है तुमको, मात्र 300 रुपया और केपीडी का महीना देना है। सर तुम एक बारे में बताए नहीं, देखो केपीडी के बारे में हम तुमको लास्ट में बताएंगे, वो देसी इंडियन क्लासिकल जो देसी गिटार होता है उस पे तुम्हारा क्लासिकल, अरे क्लासिकल नहीं रे गिटार, देसी गिटार।
सर आज फर्स्ट डे म्यूजिक का फर्स्ट डे है। देखो म्यूजिक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जानते हो? यो चिल। नो सर, म्यूजिक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है रजनीगंधा। दो रजनीगंधा। ओके सर। तुलसी 500। थैंक यू सर। तुलसी 500 सर। सिट डाउन, सिट डाउन। पॉप म्यूजिक के पिता कौन है? शास्त्रीय संगीत का सुना ना कि सरस्वती माता है उनकी देवी जी। पॉप म्यूजिक में माता नहीं होती है, पॉप म्यूजिक में होते हैं पिता। म्यूजिक के पिता हैं महिषासुर। रविवार को और चला, आज मंगल है, 5 दिन रेस्ट करो, गला को आराम दो, उसके बाद करेंगे हम लोग। जाओ यार। हेलो सर। यो चिल ब्रो। यस सर, आपके लिए पान लाए हैं। यो थैंक्स सर। मास्टर को पान देता है रे? सर तो आप रजनीगंधा उसे बोले तुमको लगा पान तो उससे सस्ता नशा है ना? तुम कैसे जान गए कि हम नशेरी है रे? पाने ला साला नशा वाला ना लाता, फिर तुम डलवा के लाता बेहुदा था। सर हम बोला पान वाला नशा लाए थे। सर वो तो जानता है हमको। सॉरी सर। सर आपको हिप हॉप सीखना है तो आपको थोड़ा जानना ही होगा। मोस्टली हिप हॉप में सबसे इंपोर्टेंट क्या पता है? जी सर, नशा। रजनीगंधा, तुलसी का पान, पराग, तुलसी, अफीम, चैनी गनी सब तो जानते ही है। नहीं जानते सर? हम नहीं। चलो ठीक है, अभी तुम क्लासिकल म्यूजिक वाले मोड में, तुमको पूरा हिप हॉप करवा देंगे। तुमका एकदम दारू रुक पीते हैं कभी कभी स्टेज से पहले, कितना स्टेज पे मार खाए हुए हैं, दारू पी के चल गए थे, बहुत मार मार। ये मोतिहारी जानता है? मोतिहारी, मोतिहारी बस स्टैंड जी जी, वहाँ गए थे एक बार परफॉर्मेंस देने, 12 बार मारा था, दारू पी के चल गए थे। सर तो हमको नेताजी आए थे, उनको बोले श्रीमती जी प्रणाम, 2 चाटी दिए तो बहुत आएंगे वो। प्रणाम सर, नेताजी आज से तुम्हारा म्यूजिक क्लास स्टार्ट। अभी तुमको हम देंगे एक गिटार तुम्हारे हाथ में, एक गिटार मेरे हाथ में, और अभी से तुम्हारा म्यूजिक पॉप तुम्हारे पास, ऑप मेरे पास। पॉप ऑप क्या हुआ? पॉप पॉप जोरदार ताली। तो चलो चला आज से तुम्हारा हम म्यूजिक क्लास स्टार्ट करवा देते हैं। जी सर। गिटार, यही गिटार है, क्या बोले थे? देसी गिटार देंगे जो हम लोग अपने घर पे बनाते हैं, यही है देसी गिटार। तुम इसे भरोसा रखो, देसी गिटार यही है, इसी से तुमको प्रैक्टिस स्टार्ट करना है और तुमको अभी बना देंगे। चलो तुमको हम पॉप गाना। इसको पकड़े कैसे सर? इसमें तुमको हम एग्जैक्ट दिस वे परफेक्ट वे, परफेक्ट वे। देखो चला म्यूजिक प्रैक्टिस हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी सर। ये क्या है? गिटार नहीं, सा है। सा 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 सा। ये क्या है? रे। रे गाओ। सा आधी। गाना कौन सा है? एक मिनट। आधी आधी रतिया उठे दर दिया। आ आ धिन धिन आ धिन धिन चिकी चिकी चिमकी चिमकी। सारा बहरा है करे। आ धिन धिन चिकी चिकी धिन धिन चिकी चिकी आ धिन धिन चिमकी चिमकी। एक तो तुम्हारा साला मुंह है सुवर जैसा, साला भार जैसा, तुम कान से भी भरा है। तुमको बोल रहे हैं आ धिन धिन चिंकी चिंकी धिन धिन चिंकी चिंकी, तुम साला गाता है धिमक धिमक चिंकी चिंकी धिमक धिमक चिंकी चिंकी, साला भरा है क्या तुम? नो सर। साला आज तुम्हारा क्लास समाप्त, आज तुम्हारा क्लास समाप्त, तो कॉल आना तुम। सर गेट आउट। सीखे कहां कुछ? गेट आउट। तुम जाओ, गाना वाना सुन के आओ, मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, यू आर अंडर अरेस्टेड। हेलो। हां मुन्ना, ट्यूशन आ रहे हो? हाँ, तारे वो देखा नहीं है ब्रह्मपुरा नाका, वही से ले लेना, वो दारू का बोतल ले लेना। हाँ दारू 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 का ले लेना। अरे पीते हैं उसे, क्लासिकल म्यूजिक में थोड़ी है कि नहीं पीना है नहीं खाना, पॉप म्यूजिक है, दारू सिगरेट के बिना आवाज़ नहीं खुलता, लेते हैं ना। हाँ अरे ठीक है, लेना 1500 वाला बोतल ले आओ, ले आओ जल्दी आ, जल्दी ट्यूशन का लेट हो रहा है, चलो जल्दी आ जल्दी। चलो ठीक है, रखो जल्दी आ, दारू लेके। सर ले सर, कहाँ देखा?
प्रणाम नहीं करेंगे सर, काहे करेंगे प्रणाम? आप हमको आपसे कुछ नहीं सीखना है, म्यूजिक सिंगिंग हमको पाव अलग नहीं करना है, ठीक है? पढ़े इतना फी हुआ है आपका, ये बता दीजिए, फी देते हैं आपका, कहानी खत्म। हमको नहीं सीखना है म्यूजिक, म्यूजिक नहीं सीखना है। कितना रुपया हुआ है आपको बता दीजिए, पैसा ले लीजिए और हमको विदा कर दीजिए सर। लीजिए पैसा, एक मिनट सर, एक मिनट सर, 300, एक मिनट सर। ये आप हमसे जो भी चीज मंगवाए थे, हाँ, उसका ये बिल है, वो भी आप हमको दे दीजिएगा। उसको पहले और हमको म्यूजिक व्यूजिक अब नहीं सीखना है आपसे, ठीक है? कुछ नहीं है, बिल का चीज दे रहा है, ये बिल आप जो भी तुमसे मंगवाए थे, जो भी चीज हो सकता है। अरे तुम जब आया था तुम क्या बोले थे? 300 प्लस केपीडी, केपीडी का नहीं आते थे? केपीडी का मतलब फुल फॉर्म है खान पान दाल। जितना हम तुमसे सामान से मंगवाए हैं तो सब तुम्हारे ट्यूशन में फी लगा दूंगा क्या तुम? सर तो मेरा मतलब फीस से आया था, पैसे में लगे खाने पीने अच्छे आने में। अरे यही तो सस्पेंस है पॉप म्यूजिक का, म्यूजिक में नहीं सिखाया तो सर वही वो बना दिए आपको सर। हमको पॉप म्यूजिक में यही होता है, किसके चुतिया के चक्कर में, रोहिंग्या के चक्कर में पड़ के आपके पास आए थे, मेरा दिल खराब कर दिया। जो मेरे मेरा स्टाफ है 200 रुपया उसको देते हैं, पता है कि इंडिया गए थे हम जाने वाले थे, सीखते हैं म्यूजिक आपसे, मेरा स्टाफ है उसको रखे सर। ये क्या है? ये हारमोनियम है सर, आपसे क्लासिकल म्यूजिक से नफरत कर देगा। आपके पास हारमोनियम कैसे? सर तुम चुतिया है, चुतिया तो बना दिए उन्होंने आप हमको। म्यूजिक में कुछ भी अगर तुमको करना है तो तुमको क्लासिकल म्यूजिक सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरा तीन महीना चार महीना कह दिए कि पॉप म्यूजिक पॉप म्यूजिक पॉप म्यूजिक, आप कर दिए कि क्लासिकल म्यूजिक का बजा रहे हैं आपने, बताइए क्या कर दिए सर? आप मेरे साथ गुरु है, ऐसा गुरु होता है क्या? हमको नहीं सीखना म्यूजिक, आपसे पैर पकड़ते हैं आपका सताइया। यहाँ पे हम लोगों ने काफी मेहनत करके एक वीडियो बनाया है जिसको जिसका नाम क्या है, संगीतकार, और ये आप लोगों के लिए आया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बताइए, उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाता है यहाँ पे टीम मेंबर से। चंदन भैया है, इनके घर पे हम लोग इस वीडियो को शूट किए हैं और काफी बेहतरीन तरीके से बनाने में इनका सहयोग रहा। यहाँ पे आशुतोष भाई जो की रोल किए हैं, कुमार जानू का, इधर है लोकेश जो की रोल किया है मुन्ना का, और यहाँ पे हरिशम जो की रोल किया है किसका, आयुष का, और वहाँ पे ऋतिका जो की रोल किया है रॉबिन का रोल किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए यो चिल।